हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर सीइंग आवर इंट्रोडक्शन ऑफ एन मोबाइल बेस्ड कनेक्टिंग और मोबाइल बेस्ड सोशल इंजन. ओके, फर्स्ट वीडियो वी आर सीइंग द व्हाट इज एन सोशल इंजन अटैक. ओके, देन वी सी द हाउ सोशल इंजीनियरिंग अटैक इम्पैक्ट टू अ सिस्टम. ओके, और हाउ टू सोशल इंजीनियरिंग अटैक डज, कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक कैसे होता है, कि उसके क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ओके, और कैसे ऑकर होता है, किसके ऊपर कितना उसका इफेक्ट हो सकता है, इस ये हमने देखा. ओके, सिमिलर आज हम क्या देखने वाले, कि हमारी सीरीज जो चालू की, फर्स्ट हमने सेकेंड वीडियो में हमने टाइप्स स्टार्ट किए थे, कि टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. उसके अंदर हमने दो टाइप्स, तीन टाइप बताए थे, दो हो गए हमारे को. ओके, कौन से, कि फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक. इसके अंदर क्या होता है कि अ ह्यूमन ह्यूमन इंटरैक्ट होता है इस अटैक के अंदर, कि ह्यूमन से इंटरैक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ट्रस्ट गेन करके उसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, कि उस वो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया, कि लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दी, कि दे लिंक एज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. ओके, सेकेंड वी सी द टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. ओके, सेम हमने देखा था कि हाउ कंप्यूटर यूज फॉर सोशल इंजीनियरिंग अटैक. ओके, कि कैसे हम एक स्पेसिफिकली डोमेन नेम से उसकी आईपी एड्रेस और उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते. ओके, सोशल इंजीनियरिंग इज नथिंग बट गैदरिंग अ इंफॉर्मेशन. ओके, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं एक सिस्टम को. ओके, ये हमने कंप्यूटर बेस में देखा था. इसकी भी, इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई. ओके, सेकेंड थर्ड, ये थर्ड टाइप आज हम देखने वाले. ओके, थर्ड टाइप कौन सा है, कि मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. ओके, इस टाइप के अंदर क्या है, कि सिंपल है, कि जो भी मोबाइल डिवाइसेस है, ओके, उसके थ्रू हम सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, या सोशल इंजीनियरिंग अटैक किस तरह से अकॉर होता है. ओके, बेस्ट कि हम अभी मोबाइल में देखें तो क्या है होता है, कि बेसिकली क्या हम देखते हैं, कि मोबाइल को हम किस तरह से और क्या होता है, इथिकली हैक कैसे कर सकते हैं. ओके, लीगली वे से. ओके, मतलब हैकिंग इन द सेंस कि जो भी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि क्यों करना है हमें. ओके, उसके इथिक्स क्या है, कि उसको ध्यान में रख के हम ये नेक्स्ट वाला पार्ट देखने वाले. ओके, कि मोबाइल बेस इन द सेंस कि मोबाइल एप्लीकेशन को लेके. ओके, अभी मोबाइल एप्लीकेशन मतलब जो भी एपीकेज हो गए. ओके, एपीके इन द सेंस कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पब्लिशिंग मलिशियस ऐप, कि सिंपल हम देख सकते कि जो भी हम ऐप स्टोर से ऐप लेते. ओके, इफ़ द ट्रस्टेड वाला जो ऐप स्टोर होगा, ओके, वो स्कैन करके कुछ भी एप्लीकेशन होगा वो ऐप स्टोर पे अपलोड करेगा, लेकिन हम थर्ड पार्टी ऐप स्टोर यूज़ करते होंगे. ओके, कि जैसे कि डायरेक्टली हम क्रोम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते विदाउट ट्रस्टेड ऐप स्टोर, तो उससे हमारे फ़ोन के अंदर जो भी मलिशियस एप्लीकेशन होगा वो आ सकता है. ओके, तो ये अटैक इस तरह से परफॉर्म हो सकता है. देखो कि हम देखते हैं कि एक अटैकर होगा. ओके, अटैकर क्या करेगा, एक मलिशियस एप्लीकेशन बनाएगा. ओके, एप्लीकेशन मीन्स व्हाट होता है, कि एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन इन द सेंस कुछ जो भी कोड होगा उसको, क्योंकि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली वो एक कोड जनरेट करेगा. ओके, वो स्पेसिफिकली जो भी एप्लीकेशन होगी, जस्ट लाइक गेम्स हम देख सकते कि जस्ट लाइक कोई भी गेम होगा वो ट्रस्टेड ऐप स्टोर पे करके हमें लेना होगा. तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ऑप्शन क्या देखते हैं, कि कोई भी सर्च करेंगे कोई भी ब्राउज़र के ऊपर, उसका फ्री वाला वर्जन या क्रैक वाला वर्जन मिल सकता है क्या, ऐसा हम ट्राई करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन होगा. तो ओके, तो उस एप्लीकेशन को मतलब वैसे एप्लीकेशन को जो भी अटैकर होंगे तो अपना जो कोड होगा या जो भी अपना ऐप होगा उसके अंदर बिल्ड करके देते, कि जब भी हम अनट्रस्टेड कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते कि अनट्रस्टेड वेबसाइट से, कि उसमें अटैकर का हाथ हो सकता है कि वो उसके साथ अपना भी कोड होगा वो ट्रांसफ़र कर सकता है. ओके, इसलिए कोई भी हमें ऐप डाउनलोड करना होगा तो ट्रस्टेड ऐप स्टोर से करें,
भले हमें उसके लिए 2 पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े तो भी चलेगा। ओके या सिमिलर नेम के कोई एप्लीकेशन होंगे, वैसे भी केस हो सकता है। ओके कि सिमिलर नेम की हमने जस्ट लाइक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि प्ले स्टोर की, प्ले स्टोर के ऊपर जो भी हम देख सकते हैं कि सेम नेम के बहुत एप्लीकेशन होते हैं, कि इसलिए हमें प्रॉपर एक्चुअल वाला जो ऐप होगा वो नहीं मिलता। कि जैसे हम बैंक का कोई भी देख सकते हैं एग्जांपल, कि हमने स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पे जाके एक बैंक का जो आपकी जो भी बैंक होगी, ओके उसका एप्लीकेशन सर्च करो, कोई सिमिलर नेम के बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे। ओके उसमें से आपको ट्रस्टेड वाला है वो कैसे पता चलेगा कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कि किसने वो एप्लीकेशन बनाया। ओके या जो भी अपना बैंक से आपको जो भी यूआरएल मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका ट्रस्टेड वाला एप्लीकेशन मिल सकता है। ओके तो अटैकर क्या करता है कि वो जो भी ऐप स्टोर होगा, कि दो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर होगा उसके थ्रू वो आपको जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपके पास आएगा। ओके वो आप आपके फ़ोन में इंस्टॉल करोगे। ओके या आप ऐसे भी करते कर सकते हो कि कभी कभी कि कोई भी एप्लीकेशन हो, कि जैसे गेम्स वगैरह होते हैं, ओके गेम ज़्यादा MB के होते हैं, GB भी होते, तो हम क्या करते हैं कि दोस्त को बोलते हैं कि चल शेयर कर भाई। कि शेयर करने के बाद क्या होता है कि उसके फ़ोन में उसी ने भी कहाँ से थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया होगा, या अटैकर ने उसके फ़ोन में कहाँ से एक मेलिशियस एप्लीकेशन भेजा होगा, तो उसके फ़ोन से भी आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है। मतलब जो भी अटैकर का मोटिव होगा वो सक्सेसफुली हो सकता है। तो इसलिए हमें ये भी अवॉइड करना है कि जो भी हम दूसरों के फ़ोन से अनट्रस्टेड एप्लीकेशन लेते हैं उसको हमें ऑफ करना है। इसलिए हमारे फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी होती है तो अनट्रस्टेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं होने देते। ओके तो जो भी एक्सेस होगा, ओके हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमारा एक्सेस होगा या हमारा जो डेटा होगा वो डायरेक्टली जो भी अटैकर है उसके पास जाएगा। ओके इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो भी मलिशियस एप्लीकेशन होंगे, मलिशियस मतलब जो भी अनअवेयर एप्लीकेशन होगी उसको हमें डाउनलोड नहीं करना, कि इससे हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बच सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से ऑल किस तरह से हो सकता है। जैसे लाइक कि हम सिमिलर हमने देखा कि जो लेगिमेंट डेवलपर होगा, मतलब जो भी अटैकर होगा या बी ऑफ अटैकर जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, ओके वो डेवलप करने के बाद वो सॉरी लेगिटिमेट मतलब जो भी नॉर्मल जो भी पर्सन होगा, कि नॉर्मल जो डेवलपर होगा, नॉर्मल डेवलपर अपना ऐप अपना जो भी प्ले स्टोर होगा या मोबाइल का ऐप स्टोर होगा उसके ऊपर अपलोड करते। ओके सिमिलरली अटैकर क्या करते कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते, उसके अंदर अपना मलिशियस कोड होगा, ओके उसको बिल्ड करते, और वो भी जो कोड बिल्ड करने के बाद सेम एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पे इंस्टॉल करते। ओके यूज़र को पता नहीं रहता कि यूज़रशिप जो भी आइकॉन है कि उसको देख के रेफर करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है। कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो भी अटैकर होगा कि उसका मोटिव सेटिस्फाई होता है, मतलब उसके पास जो भी यूज़र का डेटा होगा वो चला जाता है। कि इतना ही इस डायग्राम में बताया गया है। नेक्स्ट कि क्या क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन से फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन होते हैं। ओके फर्स्ट अटैकर इनफेक्ट द विक्टिम पीसी, की जो भी विक्टिम का पीसी होगा ओके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। कोई भी एप्लीकेशन होगा, पीसी इन द सेंस मोबाइल भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हम मोबाइल बेस्ड देख रहे हैं। ओके सेकेंड उसके जो भी बैंक के अकाउंट के डिटेल्स होंगे, ओके मतलब जो भी हम क्या कहते हैं कि जो भी यूज़र नेम पासवर्ड होता है हम अपने ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट सेव ऑप्शन करते हैं कि क्यों बार बार उसको इंटर करना। ओके तो ऐसे नहीं करने का, तो उससे जो भी हमारा डेटा होगा वो चला जाता है। अदरवाइज जो भी अटैकर होगा वो की स्ट्रोक अटैक भी कर सकता है। कि की स्ट्रोक क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि की स्ट्रोक अटैक क्या होता है। कि की स्ट्रोक अटैक से भी वो अपना डेटा लिख सकता है। ओके देन नेक्स्ट की जो भी पॉपअप मैसेज वाला अटैक, कि पॉपअप मैसेज इन द सेंस
जो भी हम हम कभी भी ब्राउज़र पे सर्च करते हुए देखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ओके, मतलब जो भी एड वगैरह आती है, ओके, एड वगैरह आने के बाद हम उसको क्लोज करते, तो क्लोज करने के बाद कि वहाँ पे एक ऐप डाउनलोड हो जाता है और हमारे ध्यान नहीं देने से हम उसको इंस्टॉल कर देते, ओके, वो भी मलिशियस ऐप हो सकता है, ओके। तो डाउनलोड करने के बाद जो भी हमारा एक्सेस होगा कि हमारे सिस्टम का या मोबाइल का जो भी एक्सेस होगा वो अटैकर के पास जा सकता है या जाता है, तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वो ट्रस्टेड ऐप स्टोर से करो, ओके। और जो भी पॉपअप मैसेज आते होंगे, ओके, उसको अवॉइड करो, उसको क्लिक मत करो। क्या आप क्लोज करने जाओगे तो भी उसका कोड डाउनलोड होगा, तो इसलिए उसको टच ही मत करो, उसके ऊपर कोई इवेंट ऑकर मत होने दो, ओके। देन नेक्स्ट की यूजिंग SMS, ओके, क्या हो सकता है SMS, एनी आइडिया, ओके। कि जैसे हम देख सकते कि अटैकर क्या करता है, जो भी हमारा विक्टिम होगा, ओके, उसको कॉल करेगा, कॉल इन द सेंस कि फेक कॉल करेगा। यहाँ पे उन्होंने बैंक का एग्जांपल दिया कि आपने भी देखा होगा कि आपको फेक बैंक का कॉल आता होगा, के सेम सोशल इंजीनियर अटैक की, जो आपको कॉल करेगा और आपकी बैंक की डिटेल आपसे मांग लेगा। कि जैसे बैंक भी हमें अवेयर करती है कि किसी अननोन पर्सन से या कॉलिंग के ऊपर अपनी बैंक या आपका बैंक की डिटेल शेयर मत कीजिए, ओके। ये सोशल इंजीनियर का अटैक हो सकता है कि आपने कहाँ पे बोला होगा कि आपकी कौन सी बैंक है, नहीं तो जो पॉपुलर बैंक होती है, ओके, उनके नाम लेके आपको कॉल आ सकते हैं। या किसी को एक्सपीरियंस भी होगा कि कॉल आके आपको बोले कि हम स्पेसिफिकली बैंक से बात कर रहे हैं, आपका कुछ तो आपके बैंक का कुछ तो इशू हुआ है, तो आपकी जो भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी इन्फॉर्मेशन है, ओके, वो मांग लेते हैं। उसके बाद आपका जो पिन नंबर है, ओके, वो मांग लेते हैं, तो इससे आपका ऑनलाइन या मोबाइल का फ्रॉड हो सकता है, ओके, मतलब आपके बैंक का फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इस बात से अवेयर रहे कि सोचे इंजीनियरिंग अटैक इन द सेंस कि जो हम अनअवेयरनेस से जो भी हमारा डेटा है, ओके, हम अटैकर को पास करते हैं, ओके, अनअवेयरनेस से जो विक्टिम होता है वो अपना डेटा अटैकर को पास करता है, ओके। यही सोचे इंजीनियरिंग के अटैक के अंदर होता है, ओके। थैंक यू, ओके। कोई भी आपको क्वेरी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, या आप चाहते होंगे कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बने, ओके, तो उसको आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।